दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी में स्थित मिल्लत टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के मीटिंग हॉल में। देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है। देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जहाँ महिलाएं हैं वहीं पुरुष भी देख सकते हैं जो जिला के अलग अलग पंचायत से आए हुए हैं। अभी यहाँ के जो मेहमान हैं पंचायती राज कोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी भी यहाँ मौजूद हैं। अभी उनसे हम बात करेंगे देखिए ये रिपोर्ट। जो प्रोग्राम हो रहा है सर संगठन जो है पार्टी जो है तो आवाज उठाते हैं अपना विभिन्न सेल उसमें ये जो पंचायती सेल है हमारा ये बहुत ही मजबूत है और बहुत ही ग्रामीण इलाके के लिए प्रासंगिक। इसके अध्यक्ष विद्यार्थी जी हैं और इसकी समीक्षा की जा रही है और मेरा तो मानना है कि विभिन्न राजनीतिक दल का अगर ये प्रकोष्ठ अगर बहुत ईमानदारी से और कर्मठता से काम करने लगे तो गांव स्तर की जो है बहुत सारी समस्याएं जो हैं उसका बहुत हद तक निदान हो जाए। अब जो है मतलब ग्रामीण सड़कों का निर्माण जल पेय का निर्माण विद्यालय के बच्चों का सारी जो आंगनबाड़ी सेविका का जितना जो ग्रामीण से जुड़ा हुआ सब है मसला उस मसले को देखना और उसको एक्टिवाइज करना हर पार्टी का दायित्व है। उसी दायित्व के तहत जो है हमारी पार्टी ने जो अपना संगठन बनाया है उसको एक्टिवाइज भी कर रही है और उसका फैलाव जो है पंचायत स्तर तक ले जा रही है। अब आप कुछ पूछना एक सवाल था कि पटना की सियासत काफी गर्म है जिससे बिहार की भी सियासत गर्म हो गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पिछले कुछ दिनों से अभी हम तो मधुबनी में है जी सर, मधुबनी में आप जानना चाहेंगे तो मधुबनी की सियासत के बारे में पूछिएगा तो बताएंगे, पटना जाएंगे तो फिर पटना की सियासत की अपने कखन मधुबनी अपने मधुबनी के अखन निरीक्षण कर रहा छे कंटिन्यू देखल जा रहा है तो मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा मधुबनी में बीजेपी के और उमहर जे छै से जदयू के की लाग रहा है जे पंचायती प्रकोष्ठ सब मजबूत भ रहा है 24 में राजद के की प्रतिस्थिति रहते और केना देख रहा? देखिए हमारा गठबंधन है, गठबंधन की जो साझेदारी है सीट शेयरिंग जो है वो सीट शेयरिंग होने के बाद अभी जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा के अलावा कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा है हिंदू मुस्लिम और मंदिर का। हमारे पास मुद्दा है गांव का, सड़क का, विकास का, विद्यार्थी का, महिला का, सारे देश का। तो अब जो लोग समझते हैं कि पब्लिक को हमेशा बेवकूफ बनाया जा सकता है तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम हमेशा बना सकते हैं पब्लिक को बेवकूफ तो पब्लिक एक बार उसको इतना बड़ा महामूर्ख साबित करेगी वो बहुत जल्द साबित करने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का एक दिवसीय सम्मेलन पूरे बिहार के सभी राज्यों सभी जिलों में लगाया गया है और निर्धारित तिथि के तहत हम आज मधुबनी के जिले में पंचायती राज जो राष्ट्रीय जनता दल के संगठन है उसको हम समीक्षा करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज का जो जिम्मेवारी है जहांगीर अली साहब यहां के माननीय अध्यक्ष हैं उनके कंधे पर हम लोगों ने भरोसा करके पंचायती राज संगठन को विस्तार करने के लिए ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए हमने जिम्मेवारी पार्टी ने लिया है। आज मुझे खुशी है कि जहांगीर साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हमारे राय साहब जी हैं
इनके नेतृत्व में पंचायती राज काफ़ी मजबूती से मधुबनी के जिले में फैला है और हम इनको बधाई देते हैं कि पंचायती राज संगठन जैसे बिहार के अन्य जिलों में फैला हुआ है वैसे पंचायती राज संगठन जो है इस जिले में भी फैला हुआ है। अब हमारे सर हैं उनसे सर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? महागठबंधन किस तरह तैयार है? पूरे राष्ट्रीय जनता दल जो इंडिया गठबंधन है पूरे इंटैक्ट है और बिहार में से 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा, एक भी भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, ये हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष रैली अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठ के पंचायत अध्यक्ष मधुबनी जिला के कोने कोने से आए हुए अभिभावक को भाई हो एवं बहन सभी को